हेलो साथियों, एक एक जाम साइकिल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार सिद्धार्थ। आप लोगों का प्राचीन इतिहास चल रहा था, जिसमें अभिलेख और अभिलेखों के प्रकार कल हुआ था। आज अगला जो है साहित्यिक स्रोत है। अगला जो पढ़ेंगे आज साहित्यिक स्रोत, देखते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास साहित्यिक साहित्यिक स्रोत क्या, कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं उसको देखते हैं। भारत के लोगों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व भारत के लोगों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व पहले लोगों को लिपि का ज्ञान था। 2500 ईसा पूर्व पहले लोगों को लिपि का ज्ञान था। परंतु प्राचीनतम पांडुलिपियां चौथी सदी के पहले नहीं है। भारत के लोगों को साहित्यिक स्रोत में पहला जो पॉइंट है देखेंगे, भारत के लोगों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व पहले लोगों को लिपि का ज्ञान था, परंतु प्राचीनतम पांडुलिपि चौथी सदी के पहले की नहीं है। अब इसमें देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। अगली पॉइंट, भारत में जो पांडुलिपियां लिखी गई हैं देखते हैं। भारत में जो पांडुलिपियां लिखी गई हैं वो मध्य एशिया में मेघ चर्म काष्ठ फलक पर लिखी गई हैं
काष्ठ फलक पर लिखी गई है, काष्ठ फलक पर लिखी गई है। भारत में पांडुलिपियां जो लिखी गई हैं वो भोजपत्रों तामपत्रों में लिखी गई हैं, जबकि भोजपत्रों तामपत्रों में लिखी गई हैं, तामपत्रों पर लिखी गई हैं, जबकि मध्य एशिया में मेघचर्म काष्ठ फलक पर लिखी गई हैं, मेघचर्म काष्ठ फलक पर लिखी गई हैं। अब इसमें अगला देखते हैं, अगला कौन सा पॉइंट? ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। अब इसमें जो अगली पॉइंट है, अगला पॉइंट, प्राय सभी वैदिक ग्रंथों में छेपक मिलता है जो आदि या अंत में होता है। उपनिषदों की रचना 1000 से 500 ईस्वी मानी जाती है, 1000 से 500 ईसा पूर्व मानी जाती है। वैदिक मूल ग्रंथों का अर्थ समझने के लिए अगला जो पॉइंट है, वैदिक मूल ग्रंथों का अर्थ समझने के लिए वेदांग की रचना की गई,
वेदांग की रचना की गई, वेदांग की रचना की गई। वेदांग छह प्रकार के होते हैं, वेदांग छह प्रकार के होते हैं। वेदांग छह प्रकार के होते हैं। छह प्रकार के कौन कौन से होते हैं, जैसे देखते हैं। पहला शिक्षा कल्प व्याकरण, इसके बाद निरुक्त छंद ज्योतिषी। देखेंगे वेदांग छह प्रकार के होते हैं। पहला क्या है आपका, शिक्षा। दूसरा कल्प। तीसरा व्याकरण। चौथा निरुक्त। पांचवा छंद। छठवा ज्योतिषी। शिक्षा यानी उच्चारण के लिए, और जो व्याकरण है आपका कल्प को कर्मकांड के लिए, और निरुक्त जो है हमारा भाषा विज्ञान। इसको एक ट्रिक से देखते हैं, यानी वेदांग छह प्रकार के होते हैं, जो शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिषी। अब इसके एक ट्रिक से देखते हैं। जैसे सकव्य और दूसरा जो ट्रिक है निछज्य। सकाव्य यानी स से शिक्षा, क से कल्प, व्य से व्याकरण, नि से निरुक्त, छ से छंद, ज से ज्योतिषी। याद करने वेदांग जो छह प्रकार के हैं उनको याद करने के लिए हम इस ट्रिक के सहारे याद कर सकते हैं, जैसे सकव्य और निछज्य। सकव्य से स से यानी शिक्षा, क से यानी कल्प, व्य से व्याकरण, नि से निरुक्त, और छ से छंद, और ज से ज्योतिषी। ये एक आसान ट्रिक है जिससे हम इसको याद रख सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रख सकते हैं। अब ये वेदांग हो गया हमारा। अब अगला जो है, अगली पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा जो है सूत्र लेखन का जो उदाहरण है वो पाणिनि के व्याकरण है। सूत्र लेखन का उदाहरण पाणिनि का व्याकरण है। सूत्र लेखन का उदाहरण पाणिनि का व्याकरण है।
जिसका रचना 450 ईसा पूर्व जिसका रचना 450 जिसका रचना 450 ईसा पूर्व के आसपास की गई 450 ईसा पूर्व के आसपास आसपास की गई। यानी सूत्र लेखन का उदाहरण पाणिनि का व्याकरण है जिसका रचना 450 ईसा पूर्व के आसपास की गई है। अब इसमें अगला जो पॉइंट है अगले पॉइंट को देखते हैं। अगली क्या पॉइंट है उसको देखते हैं। महाभारत का जो रचनाकार हैं वेद व्यास जी हैं। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास हैं। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास हैं। दसवीं सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी मानी जाती है। महाभारत का जो रचना किया गया था दसवीं सदी और चौथी सदी के मध्य माना जाता है। अब इसमें अगला जो पॉइंट है उसको देखते हैं। रामायण के जो रचना किए हैं वाल्मीकि जी किए हैं। रामायण के रचनाकार वाल्मीकि रामायण की रचना रामायण की रचना ईसा पूर्व पांचवी सदी रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। इसका जो रचना हुआ था ईसा पूर्व पांचवी सदी से शुरू हुई और पांच अवस्थाओं से पांच अवस्थाओं से गुजरा है और अंतिम अवस्था 12वीं सदी में आई है। रामायण की रचना महाभारत के बाद की गई थी। महा
भारत के बाद में किया गया। महाभारत रामायण की रचना, रामायण की रचना महाभारत, महाभारत के बाद किया गया। रामायण की रचना महाभारत के बाद किया गया। अब इसमें अगली पॉइंट देखते हैं। श्रावत सूत्र और इसमें देखते हैं अगली जो पॉइंट है, अगली पॉइंट श्रावत सूत्र और ग्रह सूत्र और ग्रह सूत्र श्रावत सूत्र और ग्रह सूत्र इन दोनों की रचना इन दोनों की रचना 600 से 300 ईस्वी यानी सदी के मध्य है। 600 से 300 सदी के मध्य है। श्रावत सूत्र और ग्रह सूत्र इन दोनों की रचना 600 से 300 सदी के मध्य है। 600 से 300 सदी के मध्य है। श्रावत सूत्र किसे कहते हैं उसको देखते हैं। श्रावत सूत्र के बारे में श्रावत सूत्र सार्वजनिक यज्ञों के विधान सार्वजनिक यज्ञों के विधान राज्याभिषेक विधान और राज्याभिषेक विधान और राज्याभिषेक का अनुष्ठान की राज्याभिषेक का अनुष्ठान अब ग्रह सूत्र के बारे में देखते हैं। ग्रह सूत्र क्या है इसके बारे में देखते हैं। जन्मानुष्ठान नामकरण संस्कार उपनियन जन्मानुष्ठान नामकरण संस्कार उपनयन इसके बाद विवाह
विवाह, ये सभी ग्रह सूत्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं सुलभ सूत्र, एक और है सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र यज्ञ वेदी, सुलभ सूत्र में देखते हैं सुलभ सूत्र एक ही रहेगा। सूत्र इसमें यज्ञ वेदी के निर्माणों का विधान है। इसमें यज्ञ वेदी के निर्माणों का विधान है। निर्माण की माप का विधान है यज्ञ वेदी। सुलभ सूत्र में यानी इसमें यज्ञ वेदी के निर्माण की निर्माण सुलभ सूत्र इनमें यज्ञ वेदी के निर्माणों की माप का विधान है। अब इसमें जो अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट उसको देखते हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली में यानी पाली भाषा में लिखे हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है पाली भाषा में लिखा गया है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में किया गया, किया गया यानी प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो है ये बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है, और जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अब धर्म सूत्रों का संकलन देखेंगे, अगला पॉइंट धर्म सूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में किया गया। धर्म सूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में किया गया। धर्म सूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में किया गया। अब देखते हैं कौटिल्य का जो अर्थ सूत्र था, कौटिल्य का अर्थ सूत्र 15 खंडों में विभक्त है। कौटिल्य का अर्थ सूत्र जो है 15 भागों में विभक्त है। कौटिल्य का अर्थ सूत्र 15 भागों में विभक्त है। इसकी जो रचना है, प्रथम
ईस्वी में शुरू हुई। इसकी रचना प्रथम ईस्वी इसकी रचना प्रथम ईस्वी में शुरू हुई इसकी रचना प्रथम ईस्वी में शुरू हुई। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने गुप्तकालीन उत्तरी और कालिदास ने गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत की सामाजिक उत्तरी और मध्य भारत की सामाजिक मध्य भारत की मध्य भारत की सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। मध्य भारत की सामाजिक जीवन की सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। मिलती है अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत की सामाजिक जीवन की झलक में मिलती है। इसकी जो रचना है कालिदास का ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक की रचना की है कालिदास ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना कालिदास ने दुष्यंत और शाकुंतला और दुष्यंत और शाकुंतला की प्रेम कथा पर आधारित है। शाकुंतला की प्रेम कथा पर आधारित है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की ये जो रचना है दुष्यंत और शाकुंतला के प्रेम कथा पर आधारित यह रचना रचित है। अब इसमें अगली जो पॉइंट है अगला पॉइंट देखेंगे। अगली जो हमारा पॉइंट है यानी अगली हेडिंग साहित्यिक यानी संगम साहित्य
राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या। संरक्षित विद्या के ग्रंथों में विद्या के ग्रंथों में ग्रंथों में ग्रंथों में एकत्रित होकर कवियों और ग्रंथों में एकत्रित होकर कवियों और एकत्रित होकर कवियों और कवियों और घाटों ने तीन चार सदियों में इन साहित्य का सृजन किया। कवियों में इन साहित्य का सृजन किया। इन साहित्य का सृजन किया। इस साहित्य सभा को संगम साहित्य कहते हैं। इन साहित्य सभा को संगम साहित्य कहते हैं। इसलिए समूचा साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसलिए समूचा साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका संकलन ईसा की अब इसमें देखते हैं और आगे। अंतिम रूप से जो संगम साहित्य अंतिम रूप से उसी में देखते हैं
अंतिम रूप से उसी में है, अंतिम रूप से, अंतिम रूप से जो संगम साहित्य का अंतिम रूप से जो संगम साहित्य का अंतिम रूप से जो संगम साहित्य का संकलन हुआ है, संकलन हुआ है, वह ईसा के छठवीं सदी में हुआ है, वह ईसा के छठवीं सदी में हुआ है। अंतिम रूप से जो अंतिम रूप से जो संगम साहित्य का संकलन हुआ है वह ईसा के छठवीं सदी में हुआ है। अब देखते हैं इसमें अगला कौन सा पॉइंट है। अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट संगम साहित्य, संगम साहित्य, संगम साहित्य के पद्य जो हैं, संगम साहित्य के पद्य पद्य जो हैं, संगम साहित्य के पद जो हैं वह 3000 पंक्तियों में, वह 3000 पंक्तियों में, 3000 पंक्तियों में की गई है, पंक्तियों में की गई, पंक्तियों में की गई, जो की गई, जो कि आठवीं, जो कि जो कि आठवीं या अट्टतव के, अट्टतव के, अट्टतव के में विभक्त है, आठवीं या अट्टतव के में विभक्त है, विभक्त है। साथियों संगम साहित्य आज हमारा समाप्त हुआ, यानी संगम साहित्य के जो पद्य हैं वह 3000 पंक्तियों में की गई हैं, 3000 पंक्तियों में लिखी गई हैं, जो कि आठ भागों में बांटा गया है, आठ भागों में विभक्त किया गया है, आठ भागों में विभक्त किया है, यानी संगम साहित्य आज समाप्त हुआ। साथियों कल देखेंगे विदेशी विवरण, आज के लिए यहीं तक, इस वीडियो को आज यहीं तक रोकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद साथियों।